दोस्तों मैंने यहाँ पे आलू लिया और मैंने यहाँ पे आलू धोरी थी, फिर मैंने उसके बाद सिलवट्टे पे रखे आलू और उनके बाद उन्हें काटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा थीचा थीचा थीचा, उसके बाद मैंने इतना सारा थीच दिया था ये। और उसके साथ मैंने यहाँ पे ले रखे थे दो टमाटर। दो टमाटर के साथ मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला ऑयल और उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाला। तो थोड़ा जीरा थोड़ा हल्का सा पक रहा था, तब तक मैंने प्याज काटा और प्याज भी इसमें डाल दिया था। प्याज थोड़ा सा मैंने इस पर भुना 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 भुना, तो आप देख सकते हो मैं ऐसे भून रही थी और मैं बना रही थी कुछ स्पेशल डिश। और मैंने उसके बाद इसमें डाला टमाटर, तो टमाटर भी पड़ चुका था इसमें। और थोड़ा सा मैंने टमाटर को भी भुना भुना भुना, उसके बाद मैंने टमाटरों पर नमक डाला। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने नमक स्वाद अनुसार डाल रही थी मैंने इसमें डाला नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको इस पर वो किया आलू डाला। फिर मैंने आलू को भी और जितने भी आलू थे सारे आलू को डाले फटाफट से करछी घुमाई घुमाई घुमाई। उसके बाद मैंने इस पर रखा ढक्कन और इसे थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया। और ये हमारा फाइनली स्वाद अनुसार बन चुका था आलू की थिंजोनी, जो पहाड़ों में सबसे फेमस।